ब्रजलाल के साथियों में कितना उत्साह है आज के कार्यकर्ता सम्मेलन वर्सेज रैली को लेकर के। हमारे साथ सतीश जांगड़ा है यहाँ पर। आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचे थे और बना दिया आप लोगों ने रैली, क्या कहें जी भाई साहब? बचपन में फिल्म देखी थी गोविंदा की। वैसे तो मैं चेयरमैन साहब को तू नहीं कह सकता, आप हैं सम्माननीय हैं। एक गाना की लाइन याद है कि तू निकला छुपा रुस्तम, वो आज बिल्कुल लाइन के प्रश्न की बैठती है भाई साहब। मतलब छुपा रुस्तम आज निकाल लिया आप लोगों ने? बिल्कुल छुपा रुस्तम निकला चेयरमैन साहब। उकलाना के आंकड़े क्या बोलते हैं? उकलाना के आंकड़े तो यह बोल रहे हैं, हार जीत का फैसला देखना है कि कितने वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा, बस इतना मात्र इलेक्शन है। तो आप जीत में निश्चित मान के चल रहे कांग्रेस की? बिल्कुल भाई साहब, इसका नुकसान होगा सबसे ज़्यादा मीडिया कर्मियों को। एक साइड इलेक्शन है, कोई भी कैंडिडेट खर्चा को लावे, चेयरमैन साहब तो न्यू को लावे, मैं जीत रहा हूँ, दूसरे न्यू को लावा मैं रहे हैं। मीडिया कर्मियों की चिंता छोड़ दीजिए, आप मतदाताओं से अपने वोट लेने की चिंता करो, ताकि आप लोगों का कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस है वो तब्दील हो जाता है, और ऐसा ना हो कि ये ओवर कॉन्फिडेंस मतदाताओं का आपको, जो मीडिया की बात आप कर रहे हैं, मीडिया की बजाय मतदाताओं का ओवर कॉन्फिडेंस आपको दे करके मुंह के ओंधे मुंह ना पकें आप लोग। बिल्कुल भाई साहब, सेम यही बात पिछले लोकसभा चुनाव में भी आई थी, रिजल्ट देख लिया। एक छोटी ही बात याद हूँ, एक बूढ़ा ने बोला छोरा ने बोला ओ कवर दे पहलवान है, ने बोला मेरे पर तो नंबर जावा, बोला फिर तो पहलवान भी को नहीं भाई। ईब जो कांग्रेसी कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट नहीं देगा नहीं, वो कांग्रेसी भी को नहीं भाई। नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि जब कांग्रेस खेमों में बटी होती है तो एक दूसरे को हराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़वाए जाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ तो फिर उसका दोष आप मीडिया पर मांडते हुए नजर आएंगे? नहीं भाई साहब, अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले इलेक्शन में देख लिया आपने, भले ही काफ़ी सारे टिकटार्थी सिरसा लोकसभा में वोट मांग रहे थे, लेकिन रिजल्ट यहाँ का क्या था? प्लस था, 25,000 प्लस की लीड आई है, और सबसे ज़्यादा टिकटार्थी जिस पार्टी में होंगे वही पार्टी मजबूत होगी। तो 25,000 का सिरे तो अकेला नरेश सिलवा लेके जा रहा है, वो तो पार्टी को मिलेगा। यहाँ तो आपने देखा कि धन्यवाद कार्यक्रम जो हुआ उसके अंदर जयप्रकाश जेपी ने पूरा सिरे उसको दे दिया। बिल्कुल, वोट पार्टी को मिला, और काफ़ी सारे वोट ऐसे थे जो रणजीत को हराने के लिए वोट थे, बीजेपी के विरोध में वोट थे, एंटी इनकमेंसी है। और कुछ लोग तो कहते हैं कांग्रेस के बीजेपी के विरोध की हवा है, मैं नहीं कहता हवा को नहीं भाई, तूफान है। तो और सारा होता नहीं उड़ेगा, जो बीजेपी को हराने वाला वोट था वो हरा चुका बीजेपी को, लोकसभा में उसको कैसे बना पाओगे, विधानसभा में कैसे बना पाओगे? विधानसभा में पहली बात तो अनूप जी हैं, आपके नाम राशि हैं, उनका कोई ठिकाना को नहीं, वो कहे रहे नहीं बहु ठिकाना की और गैन्याणा की, सही हुआ है। नहीं, अभी आप अनूप जी को लेकर के आए हैं, आप पार्टियों की बात कर रहे थे, पार्टी बड़ी कि अनूप बड़ा? कुछ नेता ऐसे हैं आजकल एक प्रकार के फैशन बन चुके हैं, जौन सी पार्टी आवे उस दिखे भाई इसकी सरकार आओगी, उसे में मड़ाई चाटने जाएगा ना, जनता ने मेरा पट गया, ये इतनी बोली क्यों नहीं रही, उन्हें मनून भी चटाने जाना है मड़ाई चटाए करने। आपका टारगेट है कि इस बार नमक चटाने वाले? बिल्कुल। चलिए, और बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ, किस प्रकार का कार्यक्रम लगा आजकल? आज का बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था, और एक बुलावे भी ब्रजलाल जी के पूरी हलके की पब्लिक उमड़ पड़ी, और हम तो ये कहते हैं बहन जी शैलजा किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे, सारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर उनके साथ हैं। तो इतने सारे साथियों की 57 की लिस्ट गई हुई है, आप ब्रजलाल के समर्थक भी हैं, तो क्या मानते हैं धरातल पर कितने मजबूत हैं? हम देखो भाई साहब को हमारे पास फ़ोन किया, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, बहन जी कुमारी शैलजा के हम समर्थक हैं, और जिसका भी बहन जी शैलजा उनके सिर पर हाथ धरेगी हम उनके साथ हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल लगा आज का? अब की बार माहौल तो बहुत बढ़िया वाला है, अब की बार बीजेपी को धूल चटाने वाला मजा है, और चटाकर ही रहेंगे लगा। बिल्कुल पक्का। आपको क्या लगा आज के पूरा माहौल? जैसे बहुत बढ़िया लगा, आने वाला टाइम जो है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का? आपको क्या? कांग्रेस जीत रही जी, बीजेपी नहीं पड़ा है, कांग्रेस बहुत बढ़िया सरकार है। उकलाना से, हरियाणा से? हरियाणा से कांग्रेस बनेगी पूरे हरियाणा। आप बताएं। देखिए भाई ब्रजलाल बैबलपुरिया को उकलाना हल्के की जनता नेता नहीं एक भाई के रूप में देखती है, और भावी विधायक के रूप में उकलाना हल्का की जनता ने आज फैसला कर दिया कि भावी विधायक के रूप में भाई ब्रजलाल जी को देखना चाहती है। तो आज का ये जो जनसमूह उमड़ा है ये कहीं कहीं इशारा कर रहा है कि ब्रजलाल धरातल पे मजबूत है? जी बिल्कुल, आपने देखा है कैमरे के माध्यम से देखा है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है भावी विधायक भाई ब्रजलाल बैबलपुरिया ही होंगे जी। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर चाहे ब्रजलाल के समर्थकों की बात हो या खुद ब्रजलाल बैबलपुरिया की बात हो, सभी में काफ़ी जोश नज़र आया, और सब कहीं कहीं ये कहते आ रहे हैं कि उकलाना में इस बार कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज जन्माष्टमी की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का, आप सभी बड़े बुजुर्ग, मैं किन शब्दों में व्याख्यान करूं, 36 बिरादरियों ने इतना मान सम्मान दिया, मैं किन शब्दों में बात करूं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर से आजाद हिंदुस्तान के चौथे स्तंभकार, पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु, उनका भी मैं यहां पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। विशेष तौर से जो मेरे युवा साथी, जो मेरे पीढ़ी के और मेरे पीढ़ी से जब हमने तैयारियां शुरू की थी सन 2007-08 में, आज उनका भी वोट बन गया है, उन भी दिल की लगाव से मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर से माताएं आई, बच्चे आए, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्यों? जब 2007 के अंदर आप सब मेरे साथ चले थे, वो साथी जो मेरी उम्र के थे, उनकी भी शादियां हो गई और उनके बच्चों का भी वोट का अधिकार हो गया, वो परिणाम आपके सामने है। मेरी ताकत डबल ताकत हो गई है। साथियों, मुझे वो दिन याद है जब सभी साथी हम दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में जाते थे, उनमें से काफी साथी हैं, सभी साथी मुझे याद है, हम विधानसभा के घेराव के लिए जाते थे। तो मुझे गर्व की तो इसलिए बात है कि जो साथी 2007-08 से लगा, ब्रिजलाल की गलती हो सकती है, संपर्क साधने में मात्र 5 दिन का समय था, मैं किसी गांव में नहीं गया, सिर्फ फोन के माध्यम से आ पाए। और गलती इसलिए मानता हूं कि 50% लोगों को मैं फोन नहीं कर पाया, क्योंकि 2 दिन मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था। कुछ साथियों ने, मेरे अजीज साथियों ने, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी पता चला, वो सभी आए, और जो साथी मैं संपर्क नहीं साध सका, मैं उनसे माफी चाहता हूं, क्योंकि उनका लगाव आज भी मेरे साथ खड़ा है। जब हलका बना, हलके में कांग्रेस का भी विधायक रहा, अनूप धानक जी भी एमएलए रहे और मंत्री रहे, वो सारी टीम सन 2007 और 8 के अंदर सभी टीम ब्रिजलाल के साथ घूमती थी, सभी टीम घूमती थी। अगर आदरणीय कुमारी सैलजा जी का आशीर्वाद हुआ, हाईकमान का आशीर्वाद हुआ, वो दिन दूर नहीं, वो सभी जुमला जो 2007-08 में जुमला था, वो सभी ब्रिजलाल के साथ आशीर्वाद देने और साथ देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि तुम्हारी वो ताकत आपने फोन के माध्यम से इतना बड़ा, मैंने तो एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था भाई, वर्कर मीटिंग बुला ले, इलेक्शन नजदीक आ गया, मैं बार बार गांवों में जा रहा था, मैं एक छोटी सी मीटिंग बुलाऊंगा, उसके बाद में हम सब आदरणीय कुमारी सैलजा जी की उपनाना हल्के में रैली करेंगे। तो ये तो बीजेपी को भी पता नहीं था कि इतना जल्दी इलेक्शन हो जाएगा, बीजेपी वाली कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं और इधर से शाम को 3 बजे इलेक्शन घोषणा होते। आज बीजेपी चाहती है कि 10-15 दिन और इलेक्शन लेट हो जाए, और कांग्रेस चाहती है हमें 10 दिन का समय मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, ये लड़ाई जनता लड़ रही है, ये लड़ाई नौजवान लड़ रहा है, ये लड़ाई जिन साथियों ने दिल्ली के अंदर, जो किसान अपना खेत खलियान छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर,
दिल्ली के अंदर दस्तक दिया था, वो दिन भूल नहीं सकते किसान, क्योंकि उनको बच्चों के बीच में रहना था, बच्चों के साथ देना था, बच्चों के पढ़ाइयों के लिए लालन पालन करना था। तो वो साथी दिल्ली के अंदर कूद किया और किसी ने भी कोई सूद नहीं लिया, फाले कील गोलियों के शिकार हुए और 750 किसान हमारे शहीद हो गए। आज पूरा हरियाणा इस बात की दर्द की पीड़ा में है, पूरे हरियाणा के अंदर वो दिन दूर नहीं। मैं तो कहता हूं जो माहौल है, जो शक्ति है, जो लोगों को लगन है, 90 की 90 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। जो शक्ति, जिंदाबाद, आपकी लगन मेहनत हमेशा मेरे साथ रहे, मैं उसको ता उम्र नहीं बुला सकता। 36 बिरादरी ने जो मान सम्मान जो पगड़ी दी है, मंच पर कसम खाकर कहता हूं, जब आपने जिला परिषद की कलम दी थी, उस कलम के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर आपका बेटा, आपका भाई, जिन्होंने 21 जिले थे उस समय जब मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था, तो हरियाणा के अंदर राजीव गांधी बेस्ट वार्ड दिया गया था। क्यों दिया? मुझे लगन थी, मेरा गरीब भाई किस लिए मकान पर तड़प रहा है, क्यों 50,000 का मकान मिलता है, 20,000-15,000 चूल्हे में डालते हैं, वो मैंने किसी अधिकारी को बख्शा नहीं, मैं डरता नहीं। मेरी उस समय IAS अधिकारी से मीटिंग से बाहर कर दिया था, मुझे चाहिए मेरे साथियों का मान चांद, मुझे चाहिए मेरे हलकों को मजबूत टीम, क्योंकि जब वो ही होगी, जब हम होंगे, तो मैं यही कहूंगा कि जब हमने जिला परिषद की कलम से पूरा जिला चला लिया है, वो पता है कि नौकरी के काम छोड़ो तो बाकी तो जिले लेवल के काम होते हैं, हमें अच्छे तरीके से करवाना आता है, अधिकारियों से काम अच्छे तौर तरीके से लेना आता है। उपलाना हल्के के अंदर आदरणीय कुमारी शैलजा जी का आशीर्वाद हुआ, तो उपलाना हल्के के अंदर हरियाणा के अंदर टॉप 10 विधानसभा सीट में नाम कमाएगा, ये मैं आपके साथ प्यार आपने मुझे दिया, कोई शब्द भी नहीं है जिसे मैं आपके सामने रख सकूं। आपने 36 बिरादरी ने जो मुझे पगड़ी पहनाई है, उसको कभी झुकने नहीं दूंगा, सलामत से रखूंगा। और आप छोटे से बुलाव पर आए, इतनी गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से एक बार फिर ताकत के साथ मजबूत होइए, क्योंकि आदरणीय ये फैसला कांग्रेस पार्टी का है। अगर हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी इलेक्शन लड़ती है, स्वागत है तन मन धन से, हम उनका स्वागत करते हैं। एक उकलाना नहीं, पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है, आइए बहन कुमारी शैलजा जी इलेक्शन लड़िए और हरियाणा का नेतृत्व करिए। हरियाणा का नेतृत्व इंतजार कर रहा है बहन कुमारी शैलजा के लिए और अपने इलाके के लिए। इलाका मजबूत जभी होता है जब नेता मजबूत होता है, इलाका मजबूत जभी होता है जब नेता की छाप सभी होती है, इलाका जभी मजबूत होता है जब इलाके के दुख तकलीफ और इलाके के अंदर काम करने का तौर तरीके का पता हो। तो साथियों, ज्यादा न मैं बोलते हुए आप एक बार फिर सभी इतनी गर्मी में आप छोटे से बुलावे पर फोन के माध्यम से आए, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका ये प्यार हमेशा मेरे साथ इसी तरह बने रहेगा। आपका प्यार मुझे ताकत दी है, शक्ति दी है। जब हम 2007-08 में लगे थे, वही साथी यहां खड़े हैं, वही साथी यहां आज मेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ।